दोस्तों, कंगना रनौत के बयान पर हाय तौबा और खुर्शीद के बयान पर चुप्पी क्यों? कांग्रेसी ब्रिगेड कंगना के पीछे ही पड़ी है, लेकिन सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने जो नफरत और हिंदुओं की अपमान का अभियान चला रखा है, उस पर चुप्पी क्यों साध रखी है? और ये सब जब खुद कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में कही गई बातों से खुद को किनारा कर लिया है। अजीब बात है ना दोस्तों, पार्टी को हिंदू के वोट चाहिए तो वो खुर्शीद की किताब से किनारा कर लेगी, मगर मुसलमानों के भी वोट चाहिए इसलिए खुर्शीद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हद तो तब हो जाती है जब मुसलमानों को खुश करने के लिए दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में अपने पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी सिंधिया खानदान को गद्दार बताते हुए उसे हिंदू राजा करार देते हैं। एक तीर से दो निशाने, अपने विरोधी के बहाने हिंदुओं को भी गाली। उधर राशिद अल्वी, जिसका कांग्रेस की ही तरह कोई राजनीतिक वजूद अब बचा ही नहीं है, वो शख्स खुद को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए श्रीराम कहने वालों को कालनेमी बता रहा है, निशाचर बता रहा है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर इसी तरह की बात इस्लाम के लिए कोई कर दे तो क्या होता है? हमने देखा है कि कोहराम मच जाता है, गर्दनें तक कट जाती हैं। और छोड़िए, मस्जिद कैंपस में यूपी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष अगर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारा राष्ट्रीय झंडा फहरा देता है तो विरोध में पूरे आगरा में इस कौम के लोग सड़क पर उतर जाते हैं। उसी कौम का नेता श्रीराम कहने वालों को गाली दे रहा है। इसी कौम को खुश करके इनका वोट हासिल करने के लिए दिग्विजय सिंह जैसे फूके हुए कारतूस हिंदुओं को गद्दार कह रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों, अगर इसी कौम के उन लोगों की तरह हिंदू भी जाहिलियत पर उतर जाए तो ऐसे बयानों पर क्या हालात पैदा होंगे? देश में क्या मारकाट नहीं मच जाएगी? क्या देश अराजकता के दौर में फंसकर तबाह नहीं हो जाएगा? सवाल है कि ये लोग इस तरह देश को बर्बाद करने पर क्यों उतारू हैं? बस इसलिए कि ये सत्ता में आ सके? यही वजह है दोस्तों कि जब जब इन तथाकथित पार्टियों की सरकारें रही हैं तो देश में अनगिनत दंगे होते रहे हैं, पर जब से केंद्र और राज्यों में बीजेपी की सरकारें आई हैं अचानक दंगे बंद हो गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूपी। यूपी वो राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा दंगे होते थे। 2012 से 2017 के दौरान जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार थी तब सिर्फ यूपी में हर साल 200 से ज्यादा दंगे हुए, जबकि 2017 में जब से योगी सरकार आई है दंगे यूपी में करीब करीब बंद हो चुके हैं। इसे समझिए, दरअसल दंगों के जरिए मुसलमानों को डराकर उनका वोट लेने की तथाकथित सेकुलर पार्टियों की ये पुरानी रणनीति रही है। हालांकि इसी रणनीति ने इन पार्टियों को खत्म भी कर दिया। अपनी ही जाल में ये पार्टियां फंस चुकी हैं, बुरी तरह छटपटा रही हैं, इसीलिए ऐसे अनाप शनाप बयान दे रही हैं ताकि फिर से वही हालात पैदा हों, फिर से हिंदू और मुसलमान लड़ें। बीजेपी ने इनके ही हथियार से इन्हें जनता से पूरी तरह दूर कर दिया है। दोस्तों, अजीब विडंबना है कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की और हमारे जिम्मेदार विपक्ष की भी। केंद्र में लगातार दो बार से बीजेपी सत्ता में है, उसे घेरने के लिए कहां पार्टी को रणनीति बनानी चाहिए, तो उल्टे आ बैल मुझे बार वाली हरकतें करती रहती है बिना लीडर वाली यह पार्टी। खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस से की है। बोको हराम जरा सोचिए क्या है? बोको हराम नाइजीरिया में मौजूद एक संगठन है। इसका आतंक उत्तरी अफ्रीका के देशों में है। इसका भी मकसद नाइजीरिया में शरिया कानून की स्थापना करना है। इसने नाइजीरिया में 300 स्कूली बच्चों का अपहरण कर लिया था, 110 निहत्थे धान किसानों की गला काट कर हत्या कर दी थी। कुछ पर जासूसी का इल्जाम लगाया, कुछ पर लगाम नहीं देने का इल्जाम लगाया। 2002 में इसकी शुरुआत गरीब बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने से हुई थी, बाद में यह भटका और आतंकी हमले शुरू कर दिए। 2010 में फिर यह सक्रिय हुआ, नरसंहार करता रहा है तब से। 2017 में बोको हराम ने 276 बच्चों का अपहरण कर लिया, 107 बच्चियां लौटाई गई, लेकिन आधी से ज्यादा बच्चियां अभी भी लापता हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिंदुत्व ने ऐसे कृत्य कहीं किए, कभी किए? बच्चे बच्चियों का कहीं किसी ने अपहरण किया, निर्दोषों के गले काटे, नरसंहार किया? किया है तो खुर्शीद साहब को बताना चाहिए कि वो कौन है हिंदुत्व के संगठन, वो कौन से संगठन है हिंदुत्व के जिन्होंने ऐसा कभी किया हो। हम में से कोई ऐसा नहीं कह सकता, कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं।
फिर भी हिंदुओं की तुलना, हिंदुत्व की तुलना बोको हरम से, आईएसआईएस से, क्या लफाजी है जनाब। और आईएसआईएस की कहानी भी कितनी खौफनाक है ये तो हम सब जानते हैं। दुनिया का ये सबसे अमीर आतंकी संगठन है, $2 अरब का इसका बजट है। इसका काम भी इस्लामिक स्टेट का गठन करना ही है, किडनैपिंग और बेरहमी से हत्या करना, मार डालना, ये कहानी हम सब जानते हैं, देखते रहे तस्वीरों में। इसकी तुलना हिंदुत्व से जो बर्दाश्त कर रहा है सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी और इस तरह के लोगों को इस देश में हजारों साल से। जी दोस्तों, G23 के नेता गुलाम नबी आजाद ने इसकी आलोचना की तो बहस से पीछे क्यों हट गए सलमान खुर्शीद? क्यों कांग्रेस के बड़े नेता खुलकर इसकी आलोचना नहीं कर रहे? बहुसंख्यक जनता कैसे इन पर विश्वास करेगी? और उनके पास मोदी या दूसरे दलों को वोट देने के अलावा आखिर विकल्प क्या बचेगा? जब महात्मा गांधी से हिंदू धर्म की व्याख्या करने के लिए कहा गया तो गांधी ने कहा कि अहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्य की खोज ही हिंदू धर्म है। गांधी जी ने आगे कहा कि सत्य की अथक खोज का ही दूसरा नाम हिंदू धर्म है। जाहिर तौर से हिंदू धर्म ही सबसे ज्यादा सहिष्णु धर्म है। क्या गांधी जी के मुताबिक हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस है? क्या खुर्शीद ने या मंच शेयर कर रहे दिग्विजय सिंह और चिदंबरम ने भी गांधी का अपमान नहीं किया? और इस सबके बीच कंगना रनौत के पीछे सभी पड़े हैं, उसके बयान पर हाय तौबा मच रही है, मगर खुर्शीद के बयान पर चुप्पी। आजादी कैसे मिली, क्यों मिली? जहां तक कंगना रनौत के बयान का सवाल है तो जरा इस पर गौर भी कीजिए। उस बयान को आप सही या गलत मान सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आजादी कैसे मिली, क्यों मिली, किन परिस्थितियों में मिली, इसकी चर्चा होती रही है। क्या हमें पूर्ण स्वराज मिला? क्या हमें सच्ची आजादी मिली? क्या सभी सेनानियों को समान प्रशंसा मिली? क्या हमें गरीबी से आजादी मिली? कंगना के बयान निजी हैं, लेकिन हर भारतीयों का दर्द है कि उन्हें आजादी कितनी मिली और अंग्रेजों से कैसे मिली। वरुण गांधी कभी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता थे, लेकिन बाद में पार्टी के खिलाफ बोलने लगे तो हाशिए पर आ गए। पार्टी के साथ थे तो सीएम तक के चेहरे की चर्चा थी। क्या वरुण ने खुर्शीद पर ट्वीट करके तंज कसा? नहीं, लेकिन कंगना पर किया। राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे और कंगना पर ट्वीट करके तंज करेंगे तो फिर क्या इसके बूते सियासत कर लेंगे, राजनीति में वापसी कर लेंगे? क्या सुखराम, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और खुद गांधी के सपनों की आजादी हिंदुस्तान को मिली? 1857 के बाद 90 साल क्यों लगे? इस पर बहस क्यों नहीं होती? अंग्रेजों ने जिस भारत को गुलाम बनाया वो समूचा हिस्सा क्या हमें आजादी में मिली? लड़ाई तो सबने लड़ी थी, कुछ की सॉफ्ट लड़ाई थी, कुछ ने जान दे दी, क्या दोनों में अंतर नहीं है? आजादी किसके लिए थी? भारतीयों के लिए, जनता के लिए। जितनी आजादी देशवासी को मिली क्या वो पूरी है? भारत की टुकड़ों में आजादी या पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भी यही सुनना था कि बोको हराम और आईएसआईएस जैसा ही हिंदुत्व। कश्मीर में नरसंहार, पलायन क्या आजादी के सपने थे? और खुर्शीद की इस चुप्पी, क्या खुर्शीद इन सब पर कुछ बोलेंगे? बल्कि सलमान खुर्शीद तो ये तक बोल गए कि कश्मीर से अगर पंडित भगाए गए तो गए, हम क्या करें? जी हां, इससे पता चलता है कि भीतर क्या है। राम हिंदुओं के आराध्य हैं दोस्तों। राम राज्य दुनिया का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, अवधारणा है। राशिद अलवी के ताजा बयान कांग्रेस को और कमजोर करने वाले हैं। राम भक्तों पर निशाना साधने की वजह से सबसे बड़े जनाधार वाले राज्य में यूपी में कांग्रेस की दुर्गति हो चुकी है। ठीक चुनाव के पहले फिर भी राम भक्तों को काल ने भी राक्षस कहना, वाकई कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि आ पैल मुझे मार। मगर इन बातों का कोई जवाब दे या ना दे, जनता जरूर देती है दोस्तों। जी हां, हिंदू हमेशा से एक समझदार और सहनशील कौम रही है। हिंदुओं ने कभी किसी के साथ बर्बरता नहीं की, भले खुद हिंदुओं के साथ लाख बर्बरता हुई हो, उस पर उसके धन पर कहर क्यों न बरपाया गया? एक दो नहीं, सैकड़ों सालों तक। पर हिंदू झुका मगर टूटा नहीं। आज भी यही हो रहा है दोस्तों, मगर आज हमारे पास जवाब देने का एक अहिंसक और सबसे माकूल हथियार है, और वो है वोट का हथियार। और इसी का नतीजा है दोस्तों कि सेक्युलरवाद की खाल में छिपे इन दंगेबाजों को देश ने सत्ता से बेदखल कर दिया है। पर कहते हैं ना, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाते। लगता है यही हाल है इन मूर्ख नेताओं को, और यही वजह है कि यह हाल हो चुका है इन सभी पार्टियों के। आइए देखते हैं
कि कहां तक ये गिरते हैं, कितनी गालियां ये देते हैं हिंदुओं को, और जनता किस तरीके से इनका जवाब देती है। क्या आप इन बातों से सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, हमारी मदद करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।